हेलो एवरीवन, मेरा नाम कलश मणि त्रिपाठी है। मैं अभी मोमेंटम बेतिहाता में 12th में पढ़ रहा हूँ। मैंने अपना 11th अच्छी तरीके से नहीं किया, जो कि मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। 11th में मैंने सोचा कि मैं एक साल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ के अपनी तैयारी करूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाई जैसी मैंने सोची थी। तो 12th में मैंने ये फैसला लिया कि मुझे मोमेंटम बेतिहाता ज्वाइन करना है। और मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि असली अंतर आता क्या है ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में। ऑनलाइन क्लासेस में हालांकि ऑनलाइन उस हिसाब से उतनी बुरी नहीं है जितनी सभी लोग कहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास सुविधाएं नहीं हैं तो ऑनलाइन के जरिए पढ़ना एक बहुत अच्छा माध्यम है। लेकिन अगर आपके पास सुविधाएँ हैं और आपको मौका मिल रहा है कि आप किसी क्लास को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, तो एक बेहतर माध्यम होता है। जैसे कि मैंने महसूस किया कि ऑनलाइन के दौरान जब आप अपने टीचर के सामने नहीं होते हैं और अपने टीचर से आपका इंटरेक्शन नहीं होता है, तो जो पढ़ाई और रिस्पॉन्स आपका होना चाहिए वो असली नहीं हो पाता है। मैंने अपने एक साल के बाद मोमेंटम ज्वाइन करने के एक से डेढ़ महीने के समय में ही बहुत खास अंतर देखा अपनी पढ़ाई में और अपने परफॉर्मेंस में। ऑनलाइन में जैसे कि आप अपने टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो कुछ बातें, कुछ क्वेश्चंस जो आप सोचते हैं कि आप कर लेंगे, वो आप नहीं करते हैं। आपकी पढ़ाई आपकी पढ़ाई उतनी नहीं हो पाती है जितनी आपको चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन क्लास में जाते हैं तो आपका समय एक जगह बात हो रहा है कि आपको वहाँ पर इतने वक्त अपने आप को पढ़ाई में लगाना ही लगाना है। लेकिन घर पे जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वो आपके ऊपर होता है। अगर आपका मन थोड़ा सा भी नहीं किया तो आप नहीं पढ़ेंगे। और घर में और कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत अंतर होता है। घर में जो आपका माहौल होता है वो सबके घर में अलग अलग होता है, लेकिन जब आप क्लास में जाते हैं तो आप पढ़ाई के ही बारे में सोचते हैं और उसी के बारे में वही करने जाते हैं। क्लास में जब आप और बच्चों के बीच होते हैं तो आपकी पढ़ाई और बेहतर होती है, क्योंकि आप देखते हैं कि सामने वाला अगर बेहतर कर रहा है तो आप भी बेहतर करना चाहते हैं। जो कि घर पे आप अकेले रहते हैं और अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो आप उसे छोड़ देते हैं। क्लासरूम प्रोग्राम घर के मुकाबले काफ़ी मामलों में अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास सुविधाएँ नहीं हैं, अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे आप कोई ऐसी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना सक्सेस चाहते हैं तो आप अच्छे टीचर्स और अच्छे माहौल के बीच में, जो आपको एक क्लासरूम प्रोग्राम ही दे सकता है, वहाँ आप पढ़ें।